I am so excited. Emotional attachment हटाओ कपड़ों से. Ooh, I love these pants. हम तीन कैसे खत्म करेंगे? हाँ, इतनी सारी लड़कियों का अटेंशन मिल रहा है ना अभी उसको. My hair is Sanjay Dutt gold at this point. Young Sara's dream come true holiday. Hi, what's up, you guys? Welcome back to my channel. Welcome back to another video. For today's video, we are packing for my dream trip. This trip has been on the top of my bucket list ever since I started traveling. I have manifested this trip solo for as long as I can remember because I am going to the United States of America. I am so excited. You all have no idea. Ye jagah, matlab I was going to go to study to Los Angeles. Wahi pe mera ek college tha, which I was manifesting for as long as I know. Like, जब मैं डिग्री कर रही थी अपनी बैचलर्स तभी आई वाज ओनली थिंकिंग कि आई विल गो टू एलए फॉर माय मास्टर्स एंड दैट वाज द प्लेस एंड तभी मैंने मेरी पूरी फैमिली ने सोच के रखा था जब सारा जाएगी पढ़ने के लिए तभी हम भी वीजा अप्लाई करेंगे और फिर हम भी सारा से मिलने जाएंगे तभी हमारा यूएस वीजा होगा. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. आई नेवर वेंट फॉर माय मास्टर्स टू एलए. आई नेवर वेंट अब्रॉड टू स्टडी. आई नेवर डिड माय मास्टर्स ओनली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बट आई नेवर डिड माय मास्टर्स. आई नेवर वेंट टू यूएस. आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एंड यूएस वाज अ फारफेच्ड ड्रीम बिकॉज द यूएस वीजा अपॉइंटमेंट टेक्स वेरी वेरी लॉन्ग और मेरे एजेंट हमेशा मुझे बोलते थे कि अप्लाई करके दे पता नहीं कब अपॉइंटमेंट मिलेगा एंड यू नीड टू लाइक यू नो हैव अ यूएस वीजा ऑन योर पासपोर्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ वीजाज देन बिकम वीजा ऑन अराइवल लाइक दुबई और समथिंग लाइक दैट. आई ऑलवेज गो एंड गेट माय दुबई वीजा आल्सो डन बट अगर आपके पास यूएस वीजा है देन योर वीजा बिकम्स ऑन अराइवल इफ यू हैव फॉर दुबई एंड मेनी सच प्लेसेस यू नो. इवन दो आई वॉन्टेड टू ट्रैवल बट वो वीजा अप्लाई करने के लिए आई वॉज सो लेजी बट दिस टाइम माई एजेंट टुक द अपॉइंटमेंट विदाउट इवन टेलिंग मी. ही वाज लाइक आई विल डू द अपॉइंटमेंट व्हेन एवर आई गेट अ स्लॉट आई विल टेक इट फॉर यू एंड वी टुक द अपॉइंटमेंट एंड आई गॉट द वीजा लिटरली within 2 days after the appointment. Within 2 days my passport was here and we got a 10-year visa for US. It's oh my god. And जैसे ही वीजा आया मुझे अब तो जाना पड़ेगा. अब तो हमारे पास वीजा है तो अब हम जा रहे हैं. We are going to New York and a couple more places and it's going to be a very fun trip because it is a solo trip but we are going to meet a lot of people जो आप लोग ने बहुत टाइम से व्लॉग्स में नहीं देखे उनसे हमारी मुलाकात होगी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप द मोस्ट. इनफैक्ट मुझे अभी तक हिट नहीं हो रहा है कि मैं जा रही हूँ जबकि मेरी परसों की फ्लाइट है एंड अब तो मैंने पैकिंग शुरू भी नहीं किया है बिकॉज हम यहाँ लास्ट मिनट काम करने के लिए फेमस है. अब भी दिवाली खत्म हुई है सो आज आई विल pack. I will start packing and mostly finish it. This time I'm not going to overpack because I always say this, I know that, but I'm pakka not going to overpack because I've not even sourced too many outfits for this trip because I really really want to shop. Okay, this trip I'm going to shop baby. I have not done a haul video in as long as I remember. I have not shopped anything in as long as I remember and I've lost so much weight and all my clothes have become loose for me but now is the time we revamp our wardrobe. So I'm going to do a lot of shopping on this trip. So main aisa pack karungi taki mere luggage mein जगह हो एंड मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा लगेज खरीद लिया ऑन द वापसी वाला फ्लाइट बिकॉज आई नो कि मैं शॉपिंग करके वापस आने वाली हूं. मैं तो एक सूटकेस भी खरीद के वापस आऊंगी. दैट्स हाउ मच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप. सो लेट्स गो. आई हैव माय गर्ल्स इन द हाउस. पूजा इज हियर एंड शेरन इज ऑल्सो हियर. सो बोथ ऑफ देम आर गोना हेल्प मी पैक. वी आर ऑल्सो गोइंग आउट फॉर लंच एंड टुमारो आई विल गो फॉर माई ग्लो अप. मुझे बाल काटने हैं, बाल कलर कराने हैं, नाखून चेंज कराने हैं, ऑल द गर्ली थिंग्स वी डू बिफोर अ ट्रिप. आई एम गोइंग टू यूएस. कैन यू बिलीव इट? ओह माय गॉड. ओके, टाइम टू ओपन माय सूटकेस. इधर ही गिर गया. सूटकेस नंबर वन. वन एंड ओनली एक्चुअली. यही एक बड़ा सूटकेस ये कैरी कर रही हूँ मैं. ये बहुत दुनिया घूमा है मेरे साथ. आई बॉट दिस बिफोर टर्की ना. हाँ एक्चुअली माय 16th कंट्री टुगेदर. मेरा एक साथीदार इसके अंदर आई थिंक दूसरा सूटकेस है मेरा. नहीं बार मैं इस पे बैठ बैठ के इसको बांध रही हूँ. तो मेमोरीज ऑफ स्पेशली पेरिस द विंटर में वाज इनसेन. सो ऑल माय विंटर क्लोथ्स आर करंटली इन I have. It's in that house. And winter wear is also in mummy's house. So we have to go there. After our lunch, we'll go there. We'll get it. Love though. This comes with it. Like, it's not sponsored by the way. मैंने खुद 11,000 का ही सूटकेस है दो. But इतना मुझे टिका है. And ये जो इनका छोटा वाला वर्जन है ना, this is not cabin friendly. It's not cabin measurements. I thought I would carry this and go for my shopping like this could be my extra luggage that I take from India but now the only problem is internal flights within US are very expensive and they don't give you luggage so you have to buy luggage separately so paying for two suitcases is horrendous because I will change like two flights internally
एंड देन टू लगेज का भरना इज वेरी स्टूपिड. आई वुड रादर, बिकॉज वो ही 5,000-10,000 हो जाते हैं, उससे अच्छा मैं एक 2-3 हज़ार का सूटकेस लास्ट में खरीद लूंगी यूएस में अमेजोन पे कुछ मंगा के, है ना. टारगेट और ओनली सीन क्रिएटर्स इन LA लाइक लॉरा एंड कैथलीन एंड ऑल दीज पीपल टॉक अबाउट अल्टा ब्यूटी. अल्टा ब्यूटी, आई एम गोइंग टू गो टू अल्टा ब्यूटी. आई एम सो एक्साइटेड. द एक्साइटमेंट इज नाउ हिटिंग मी. TJ Maxx, Target, Ulta Beauty. TJ Maxx, go to like all those bougie places and you can like designer stuff also. TJ Maxx will you have get used stuff, na in TJ Maxx. No, so it's like, it's not used, it's like wo thoda defect ya reh gaya ya reject man reject. Haan. Apna kholawa bandra wala. This I cannot show you what I'm carrying. But I will try it. Zameen pe baith ke packing is more appropriate. I have a huge package from Ala Mod. Major of my outfits are always from there. Try bhi karna hai mujhe actually ye sab. Main parson ja rahi hu, abhi tak kapde bhi try nahi kiye. Fit nahi hua to udhar se khareedenge. Nahi nahi karke bhi itne outfits aa gaye. Main bhi I tell you na, I will not overpack, but especially winter wear. Winter wear is heavy. फर वाला जैकेट, फर फर. दिस तो आई कैन ट्राई लाइक या फिट्स. सो दिस इज वन जैकेट, बट इजंट इट शॉर्ट फॉर यू? स्टॉकिंग्स. सो गेट माय लेगिंग्स आउट ना, माय वार्म लेगिंग्स. माय सी, फर्स्ट वी फिनिश आउटफिट्स, देन वी विल डू दवाइया. आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट दवाइया, बिकॉज आई हैव हर्ड इफ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम अ यूएस फार्मेसी यू नीड टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन. सो इट्स बेस्ट आई टेक एवरीथिंग एंड गो, लाइक माय एलर्जी मेडिसिन, माय एंटासिड्स, माय एंटीबायोटिक सप्लीमेंट्स. तो आई विल टेक ओनली. ओह, बार्बी गो ड्रेस. The only thing with such cute outfits is it's gonna be so wintery, so cold. कि सबके ऊपर जैकेट ही आएगा. पेरिस वगैरह में भी ऐसी होता है. आधा टाइम तो तुम्हारे आउटफिट्स का फोटो लेने तुमको फ्रीज होके लेना पड़ेगा. Such a cute dress. I go try. Then we've all the Blair Waldorf moment because of course. God, so cute. This dress had actually come for an event, but now that I didn't wear it at the event. नहीं पहन लेती थी तो खाली फुकट 6,000 बचता था जो ड्रेस मैंने मंगाई जिमी चुके इवेंट पे. बट दिस आई विल कैरी. I'll try this. This is a nice, very long trench coat moment. Majorly the outfits you'll see me is in coats and different types of trench coats and puffer jackets. ओके, ये पहले वाले ट्रेंच कोट का बिल्कुल वाइब नहीं बैठ रहा. इट्स सपोज टू बी लाइक अ शॉर्ट ड्रेस काइंड ऑफ अ कोट फॉर समबडी हू इज शॉर्टर, बट सिंस आई एम सो टॉल इट्स नॉट लाइक लुकिंग गुड ऑन मी. इट्स रियली रियली शॉर्ट, लाइक माय बम इज आल्सो गोइंग टू बी विजिबल इफ आई जस्ट वेयर दिस विद अ स्टॉकिंग. सो इट्स नॉट अ वाइब. लाइक अगर इसका टॉर्सो थोड़ा और लॉन्ग होता एंड देन इट वुड हैव मेड सेंस, बट राइट नाउ आई एम नॉट लाइकिंग द फिट ऑन मी. सो आई एम नॉट गोना कैरी एनीथिंग दैट लुक्स एवरेज ऑन मी, बिकॉज देन खाली फॉर वेट बढ़ जाएगा. सो दिस आई हैव इट, बट आई एम नॉट कैरिंग दिस. इट वुड हैव बीन क्यूट अदरवाइज. तूने ये वाले पैकिंग क्यूब्स निकाली? दिस इज द स्टडी वंस. इसमें बड़े वाले भी है ना. दिस इज इनफ. पिंक वाले भी इसी में. देर आर मोर आई थिंक. मम्मी एंड ऑल टुक इट. ओके, दिस ट्रेंच कोट आई कैन कैरी. इट्स फिटिंग वेल. इट्स सिंच्ड ओवर हियर. आई रियली लाइक द लेंथ आल्सो ऑफ दिस. और इस पे बेल्ट भी है, सो दिस विल लुक गुड. दिस वी कैन कैरी. I shopped from this brand Instagram ad पे देख के. I got set of pasties because they had like skin color in them. So I got it. I found it very intriguing because otherwise Amazon वाले ना ये like fair color में आते हैं और इनका gumming भी बहुत जल्दी चला जाता है. Oh, these look good. These are multiple. So I got this one set which I'll carry. And I got this new shapewear also from there. ये मुझे try करना है, देखना है कितना comfortable है. This I think they gave me free with my order. And something else, yeah, boob tape. I got a, like a new round of boob tape which I don't think I'll need on this trip. No. But what if I need it? जगह ऑक्यूपाई करने वाली कुछ चीज है. ठीक है ठीक है, देन दिस अच्छे से रख. अपन घुमा देते बहुत. दिस इज अ टेस्ट फॉर एवरीवन. इफ यू कैन सो के टूट जाएगा हुआ. अरे 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 अरे, मी आई जस्ट वॉक एंड आई स्विच ऑन दिस एसी लाइक दिस. आई गो, योर रेड टॉप इज फाइन लाइक पकड़ लेने लेके जाने वाला तो अंदर. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लेके. अरे वो मेरे कबर्ड भी डिक्लटर हो रहा है ना साइमल्टेनियसली. दिस इज द सूटकेस ऑफ क्लोथ्स दैट आई एम रिमूविंग डोनेटिंग बिकॉज आई हैव ओवर लाइक अंडर साइज. क्या बोल रही हूँ मैं, नाउ इट डजंट फिट मी. दैट्स व्हाई आई एम रिमूविंग ऑल दोस क्लोथ्स सो दैट जो शॉपिंग करके आऊंगी यूएस से. नो नो, दिस आई लाइक, आई वेयर इट. ये अब भी फिट होता है, पहले मुझे वो होता था. मेरा लॉर्ड ऑफ क्लोथ्स आई एम रिमूविंग. लॉर्ड ऑफ माय लूम का सूट इसे मम्मी डोनेट कर देंगे फिर केरला से आने के बाद. इसे मैं, आई हैव वोन दिस टू मेनी टाइम्स नाउ. व्हाट डू यू थिंक? इसे तो मुझे कॉटन सूट अच्छे लगते हैं, कम्फी कम्फी. बट ठीक है यार, दान नहीं करो तो
तब तक नया शॉपिंग नहीं कर सकते। इमोशनल अटैचमेंट हटाओ कपड़ों से। इसका इसका कुर्ता ये है, इसका दुपट्टा भी नहीं, देख पूरा इतनी बार पहना है, पूरा व्हाइट वॉश हो गया। दिस ऑल्सो हैव ओवरवर्न दिस कुर्ता टू मेनी टाइम्स। हियर यू गो, आई हैव वन सेट ऑफ क्लोथ्स इन दिस वाला वार्डरोब ऑल्सो। दीज आई एम गिविंग अवे शरण। आई आई ये दे दूं ना, कहाँ पहनती हूँ मैं ये भी लूज हो गया है, ये भी लूज हो, बट ये सॉफ्ट है, मैं पहनूंगी दिस आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। ये सब एक्चुअली घर में पहनने के लिए बनाई थी मैंने, ये इधर रखती है ना तो मुझे याद नहीं रहता, ये रख, ये मैंने बेयरली पहनी हूँ, ये ड्रॉअर में रहता है तो आई फॉरगेट टू वेयर देम। देन दिस वाइट ड्रेस खराब हुआ है, खराब नहीं हुआ है, जितना लूज हो गया होगा आई थिंक। हाँ, ये स्पेन सिंगापुर, हाँ सिंगापुर मेरी से होगा है तो आई थिंक फिट होगा। सिंगापुर से आई हैव नॉट लॉस्ट एनी मोर वेट। दिस आई एम ओवर, आई एम आउट ग्रोन दिस। दिस इज दैट टॉप, नो दिस इज अ, हाँ बट ये दे दे। दिस ड्रेस वेलवेट लगता है ना ब्रांड्स के लिए, इवेंट वगैरह पे अच्छा है ये, अच्छा है, ये फर्स्ट पेरिस ट्रिप के टाइम पे लिया था। ठीक है ये रखो। दिस पिंक, व्हिच पिंक? दिस ना, दिस इज बिकम पुराना, दिस बोथ दीज लूम सेट्स आर बिकम पुराना। ये मैं यहाँ से निकालूंगी ना सबरीना के कबर्ड में जाएगा देखना। आई एम सो श्योर दिस आई लाइक द ब्लैक वन। व्हिच पिंक? द ड्रेस आई लाइक, आई वांट टू रीअरेंज आल्सो एक्चुअली। यहाँ से तो बहुत कुछ निकलेगा। हाँ पूजा क्या बोल रही थी? वो ब्लैक एंड ब्लू व्हाइट जो भी है उसका दुपट्टा एंड पैंट्स एंड येलो वाले का दुपट्टा, सबका सब नहीं है मेरे पास। जिसका जो मिल रहा है वो, दिस आई विल गिव अवे और आई विल वेयर इन द हाउस। घर में आई हैव टू वर्क फ्रॉम होम। दिस ड्रेस इज लैकिंग सो मच स्ट्रक्चर कि अगर उसको छोड़ दो गाइस। पूजा इज लाइक ये क्या है, इसको क्या कर रही है? इट्स वेबसाइट पे या इवन आई फील व्हाट इफ इट्स अ बो। वेबसाइट पे फोटो देखो, दिस इज टू मच क्लॉथ जस्ट हैंगिंग। मेबी इट वाज सपोज्ड टू बी अ बो, दैट वुड मेक सेंस। या इट्स पिंड ऑन वन साइड लाइक अ रूश। दिस लुक डूड इन द फोटो यार, इसलिए तो मैंने लिया। इट्स लाइक सी दिस इज पिन 1, 2, 3 लेयर्स। तो ये जो छूट गया है मतलब इनकी सिलाई इधर से ऐसा कुछ। पर वेयर इज दिस गेटिंग पिनड? या अजहर को फोटो भेज दो, ऐसा करके दो, ये ड्रेस ऐसा करके दो। आप अभी देख लो कैसे करना है। हाँ बस टाका लगाने आके ही बोल सकते हो उसको, मतलब इधर आके। हाँ बिकॉज़ टाका लगाने के लिए। Okay, I'm done trying a la mode outfits. This is the first time I've sourced from this brand called Kua Clothing. And their outfits are exactly the vibe or the mood board that we had for New York. Because it's very chic, trench coat, quad set vibe. I'll show you what I mean. This is the, oh my god, huge package from Kua Clothing. I'll take you niche and unbox. Abhi ghar mein bahut pasa rahe hain guys, judge mat karna. Packing chal rahi hai, Diwali ki safai ke din gaye aur abhi mere paas time bhi nahi hai. Ab mujhe realize ho raha hai mujhe kitna kuch karne ka hai. 4th ki morning I've taken my dermat appointment. Okay, this is the first piece we have. I'll just show you all upar se. Ye try on clothing haul nahi hai. Abhi try on tumko seedha US vlog mein dekhne milega. Fabric is damn good. Huh? It's really very heavy and warm. Thick bhi hai. Ye hai mere paas, so I don't need to buy any more warm clothes. This is really warm. I like the color. It's very cool toned grey. It comes with a belt. It's like got pockets on the side. This is the vibe I have for New York. Like the belt, trench, mostly trench coats. So idhar se humne sare trench coats manga liye. The task to get the warm. But mujhe lag raha hai size isko bhi alter karana padega. Unka sizing thoda oversize lag raha hai mujhe. It's got lovely like padding also on the shoulder. Look at the padding and this button detail. Really nice. This color is beautiful. I love this color. So it's a shorter trench coat and coat just a proper. Very warm. Not for Mumbai people, but if you're traveling abroad or even living in North India, I think you would love this. Such a vibe. This is a skirt. It's a skirt. It's a nice brown skirt and it's got a zip detail beech mein. Iska kuch top bhi hoga. Acha single skirt. This color I love. Look at this chartreuse green color. I love it. ये सारे ले जाओ ना, ये ले जाए गई तो शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली यू नो आई डोंट शॉप एनी मोर बिकॉज आई गेट माई आउटफिट सोर्स्ड फ्रॉम ब्रांड्स, सो वही बेटर पड़ता है एक्चुअली। कबर्ड में जगह भी नहीं है रखने के लिए मेरे पास कपड़े। दिस इज सो कूल, आई लव दिस फिट। इट्स स्लीवलेस एंड इट्स गॉट अ कॉलर डिटेल। इट्स अ ट्रेंच ओनली अगेन, बट इट्स डिफरेंट कट। आई लव दिस, आई कैन वेयर दिस इन LA। मी सो कूल बिकॉज द कलर सो समर, बट बिकॉज इट्स अ ट्रेंच कोट एंड इट्स नाइस। आई लव कलर इन माई वॉर्डरोब, यू ऑल नो दैट। इसमें नीचे पैंट्स भी है, बट ये साड़ी को फिट
फिटिंग लगी। वो ग्रे उन्होंने पहले भी मुझे एक गिफ्ट दिया था ना कुआ ने, वो वाला भी निकालो, वो भी लेके जाते हैं, बट उसकी भी फिटिंग करनी है। Pants. See, nice and pleated. It's giving me very South Korea energy also. Now I'm thinking of going to South Korea looking at you. You should definitely go to South Korea. I want to do solo, but I will watch K-drama. I always tell my audience, tells me to go to Seoul. This is... you. I love this color. So me. This will fit me properly. Yeah. This I can see only. It's a waistcoat. It's got a belt attachment. Peeche, so you can cinch it at your waist. So you don't need it. And this is, I think, the last. Yeah. This is the last piece. Uska pant hai. Fatfat sab try kar lungi. Wo aapko abhi nahi dikhaungi. Iske liye aapko US vlogs dekhne padenge. Wo aap dekhoge, I'm sure. These pants. Love everything from Kua. Let me in the comments if y'all are excited. I'm sure y'all are. बहुत कुछ देखने मिलेगा. I'm like subway से figure. Like I'm already excited कि subway figure करना है, metro card लेना है. ये सारी चीजें I have to do. But I have people. It's not a complete solo trip. I have people to help me over there, which you all will see in the vlogs. Who these people are? These are also jeans. Actually, the Rarism sent me. It's very comfortable. And I didn't carry. ये मुझे Bali से पहले वो brand ने भेजा था. But I didn't carry it because Bali में jeans पहनने का मौका ही नहीं था. But now I can take it to New York. And it's super. Like it's proper length. Also, all my tall girls, if you are looking for a good brand, you all should check out Rarism. Has great shorts and jeans for us tall girls because they are proper length and waist bhi achhi hai inki. Like it's high waist, mid. This is mid rise, but they have high waist shorts. Nice. Done with all my kapda. This is all the kapda that I have. I know it's already a lot. I'm thinking ki shopping karne ke liye alag suitcase lena hi padega. Pehle ye main try karna shuru karti hu. Okay, I'm just giving you one look at this fit. Look at the fit. It's so good. Mujhe laga tha ki alteration lagega, but no. These belts and the buttons and everything is put in a way that it fits perfectly. The pants are such a vibe. Look at the pant. The pocket is within this silai wala detail. Kua has some really smart, chic, luxurious type of clothing. And the length of the pant is also so beautiful for somebody who's as tall as me. I've ordered a medium in this quad set and it's so good. I'm obsessed. Like the baggy feel on the arms, the cinch with the belt and the trench coat ke buttons. Of course, the buttons you can do in multiple ways. Maine abhi ye line mein lagaya hai and then ek hi button idhar laga ke idhar se open choda hai. So I love the fit overall. Only one look I'm giving you. Of course, makeup wagera karne ke baad it'll look better on me. Cool tones in outfits don't look that great on me until I do makeup because I'm really warm undertone as you can see. But ek baar makeup kar liya, I'll do a neutral base for this look. So it'll look really good after makeup. The other colors I've taken all warm colors only and wo सब मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी. आई विल शो यू फ्रॉम द ट्रिप लाइक स्टाइल वाइल करके. दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस. कलर सो नाइस. A little later, we've come to Kofuku and we've ordered hot pot for the first time. So yahan pe Hengbok bhi hai and Kofuku bhi hai. Hengbok mein you can order Korean food, yes. And Kofuku mein you can order Japanese. I have eaten from Kofuku and Japanese is aaj pehli baar hum Hengbok se kha rahe hain, which is Korean. So hot pot ka samagri to dekho itna cool hai. Pura gas stove hi laake idhar rakh diya hai with vati and बड़ा चम्मच. सो दिट विल टेक 30 मिनट्स फॉर देम टू कुक इट इनसाइड एंड देन ब्रिंग इट हियर. इट्स गोना बी अ बिग मील. सो वी हैव आल्सो ऑर्डर्ड वन सुशी एंड वन रॉक श्रिम्प. दिस इज माय फेवरेट स्कैलप रोल व्हिच माय गर्ल्स विल ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे. आई एम एक्साइटेड टू सी योर रिव्यू ऑन इट. Today, in fact, they've not made it very well. Achha, wow. The miso sauce, they put a lot of it otherwise. So that sauce only gives the scallop its rich taste. Aaj itna achhe se nahi bana hai jitna usually banta hai. This is such a big hot pot. Hum teen kaise khatam karenge, ha? Pooja? Hum to do spoon khane ke baad ho gaya hamara. Isliye maine sara sushi nahi khaya tha. I'm saving it. Ho jayega, ho jayega. But it's like soup and everything. So. Kyun garam karke nahi laye ho? Abhi garam karna hai. अच्छा और पकना बाकी है. अभी हमको खुद को सर्व करना है कि क्या? नहीं यार आई थिंक वो करेगा. ये कैसे सर्व करेगा? आ रहा है वो.
next day. Faj is getting so much attention. Itni sari ladkiyon ka attention mil raha hai na abhi usko. No Faj, you're happy? You're happy? Shocking ma. ये तो थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे ना तुम वापस रेड डिपॉजिट कर सकते हो इतना मैं थोड़े शॉर्ट कर सकती बट यू डोंट वांट टू डू रेड अगेन What I'm not liking is कि बाल बहुत पतले हो गए लाइक अभी ना बिकॉज ऑफ वेट लॉस एंड एवरीथिंग हीट स्टाइलिंग यू नो व्हेन आई एम कॉमिंग आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हेयर नाउ डॉक्टर गिव इट्स नॉट जस्ट यू इट्स मी आल्सो इट्स एवरीबॉडी ऑल द एवरीबॉडी इज टेलिंग ऑफ हेयर फॉल इट्स नॉट ओनली यू सो यू डोंट नीड टू पैनिक फर्स्ट नो बट देन नाउ द डॉक्टर हैज पुट मी ऑन सप्लीमेंट्स व्हिच आर फिलिंग सम डेफिशिएंसीज तो अब मेरा बेटर है तो अब जब बेटर है तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं लंबा करती गई तो बहुत पुछड़ी जैसा नहीं हो जाएगा लंबा मत करो आई वुड सजेस्ट वी कट दिस मच एंड वी डू लिटिल लेयर्स सो दैट मुझे स्लाइट ही दे दो बस मुझे वो सब एक ही लेंथ में चाहिए फ्रंट लेयर्स रखो सो दैट यू बेटर कट दिस चाइल्ड द हेयर संजय दत्त गोल्ड एट दिस पॉइंट इतने गोल्डन क्यों हो गए भाई इस पे पूरा ग्लोबल ब्राउन चढ़ेगा अभी तक वॉश नहीं किया एक भी बार शेप चेंज कर दिया है स्क्वायर दीज आर जस्ट इजियर ड्यूरिंग योर ट्रैवल्स टू यूज एंड ओपन समथिंग राउंड इज वेरी पोकी पोकी एंड ब्रेक भी इजिली होती है ये ब्रेक नहीं हो गया इजिली A few moments later. Nails are looking really fine. I'm going for a hair wash. Hair ko aur kitna time lagega? 15-20 minutes. But toning bhi karna hai na? Yes. Wash and tone is remaining so that it doesn't look like Sanjay Dutt. Eternity later. This is my new look. I love the short hair. This is so me actually. I love short hair on me because I have really fine hair. Mere baal bahut patle hai. Genetically aur already mere baal bahut girte hai because of the amount of heat styling ye wo main apne baalon ko itna torture karti hu to mere baal waise bhi bahut girte hai. Plus I have been having like massive hair fall ever since I lost weight. I think it's related somewhere like after I went on this nutrition plan I lost a lot of weight very fast. So body kind of has a mechanism where this is what my dermat said it has मैकेनिज्म जहां अगर आप बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लो बहुत जल्दी सो यू एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ हेयर बिकॉज केराटिन इज अ लग्जरी प्रोटीन फॉर योर बॉडी सो इफ योर बॉडी थिंक्स दैट यू आर सपोज्ड टू बी इन अ एनर्जी सेविंग सॉर्ट ऑफ अ मोड देन इट स्टार्ट्स टू शेड हेयर सो आई हैव इंक्रीज माय प्रोटीन इनटेक बिकॉज ऑफ दैट रियलाइज कि इतना प्रोटीन लेने के बाद भी मेरा प्रोटीन इनटेक कम है अभी भी सत्यम इज मेकिंग मी अ प्रोटीन शेक एंड आई स्टार्टेड हेयर सप्लीमेंट सो मेरा हेयर फॉल एक्चुअली बहुत ज्यादा था बट आई थॉट कि आई विल चॉप ऑफ माय हेयर बिकॉज इट हैड बिकम ड्राई एंड देन इट हैड बिकम जस्ट बकवास मतलब मेरे बाल की क्वालिटी बहुत ही बकवास हो गई थी एंड नॉट जस्ट me I'm realizing a lot of the girls I'm complaining to hair fall about like I was telling Vaishnavi ma'am and she was like har ek ladki jo salon mein aa rahi hai hair fall complain kar rahi hai so I think it's the water in Mumbai or the pollution over here or whatever is the reason hair has been trash lately so I thought it's time to go really dark and actually they've done a very light highlights niche so that golden jo tha wo ab jab main wash karungi wo dheere dheere those gold highlights will come like you can see those highlights but then I didn't want that much of a gold because I was going into a fall winter vibe jo just playing I was going into a fall winter vibe with New York so I'm thinking with all those trench coats and everything this fall hair is what I'm visualizing even my nail color is very very fall like a dark brown color so this is the vision I had and abhi jab dhoungi to thoda thoda light hoga but yeah, I love short hair on me it's just so manageable it's so cute it makes me look younger I love it in every way I love this like short hair is my vibe more my vibe because genetically also if you see my mom also has very very thin hair so we are not blessed with like thick hair and voluminous hair so when you have thin hair and you have long
लॉन्ग हेयर जैसे पुछड़ी जैसा लगता है एंड मेड जस्ट लुक्स बैड. इफ यू हैव थिक हेयर एंड लॉन्ग हेयर लुक्स गुड बट थिन एंड शॉर्ट लुक्स मोर हेल्दी राइट. सो आई लव इट. लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक ऑफ माय न्यू लुक. दिस इज माय प्रोटीन शेक. थैंक यू सो मच सत्यम. बहुत लेट हो गया एक्चुअली प्रोटीन शेक के लिए. आई वॉज सपोज टू गो फॉर वर्कआउट बट आज भाई दूज है तो 6 बजे जिम बंद हो गया एंड सो माई वर्कआउट गॉट स्किप्ड. दिस प्रोटीन शेक आई यूज करंटली द ऑन वे प्रोटीन, नॉट स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे डाल दूंगी. वन फुल सैशी ऑफ प्रोटीन, 24 grams ऑफ प्रोटीन प्लस पीनट बटर में भी थोड़ा प्रोटीन होता है एंड देन आई टेक आलमंड मिल्क. ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट ड्रिंक नॉर्मल मिल्क. आई कैन वेरी डेयरी इज नॉट द दुश्मन विद PCOS. यू कैन हैव डेयरी वेरी मच विद PCOS बट आई लाइक जस्ट फॉर दिस प्रोटीन शेक आई लाइक आलमंड मिल्क. द ब्रांड आई यूज इज ओनली अर्थ एंड वो स्विगी इंस्टामार्ट पे आ जाती है ये सारी चीजें. सो आई जस्ट ऑर्डर दिस एंड दैट्स इट. दैट्स सुपर सिंपल एंड बहुत सारा आइस. सो इट्स अ नाइस कोल्ड चॉकलेटी प्रोटीन शेक. स्पेशली इफ यू आर वेजिटेरियन यू नीड टू हैव अ प्रोटीन स्मूदी इन योर डायट सो दैट यू नो इवन इफ यू गाइज डोंट वर्कआउट वी डोंट रियलाइज टू थिंग्स इन आर बॉडी, डिहाइड्रेशन एंड प्रोटीन इनटेक कम कब हो जाता है. हम सबको ऐसा लगता है हम बहुत पानी पीते फिर भी दैट पानी इज नॉट इनफ. लाइक आई ड्रिंक लाइक अ टंकी एंड स्टिल दैट पानी इज नॉट इनफ बिकॉज आई ऑल्सो कंज्यूम कैफीन राइट. सो कॉफी डज डिहाइड्रेट योर बॉडी. सो इफ आई टेक लाइक माई ट्रेनर्स ऑलवेज लाइक इफ यू हैविंग वन कॉफी हैव वन नारियल पानी एंड जस्ट गिव योर बॉडी दैट हाइड्रेशन बिकॉज कॉफी टेंड्स टू डिहाइड्रेट द बॉडी. एट द सेम टाइम हम चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं. हमारी डेली डाइट में हम इतनी सारी चीजें करते हैं जो डिहाइड्रेट करता है. तो हाइड्रेशन वी ऑलवेज लैक एंड वी ऑलवेज kind of neglect and protein intake like everybody vegetarian non-vegetarian person who works out person who doesn't work out needs protein because everything is protein. Your hormones, your hair, your skin, your muscles, your everything is protein. So we need protein. Itna meat khane ke bawajood bhi my protein intake is lesser. Honestly jab se maine protein smoothie shuru kiya aur hair supplements start kiye my hair fall has mashallah reduced a lot. Maine main aisa kari thi aur baal haath mein aa rahe the. Abhi dekho main aisa kar rahi hu baal kuch bhi haath mein nahi aa raha hai. Maine itne zyada baal haath mein aa rahe the. Abhi 2-3 wash tak nahi aega. Fourth day if I don't wash my hair again it will start because then the scalp has gotten clogged and then it's shedding. So I know I have to wash my hair on the 3rd day. So at least my nutritional deficit has been fixed. Otherwise in the last 6 months the nutrition was definitely causing some more. Like in the nutrition fixed my skin and fixed my body and fixed my hormones a lot, but yeah, the hair fall also came with it. It's now I'm fixing that also. Everything can be fixed with your diet and realizing what you're doing wrong in your routine. Anyways, now I'm not losing any more weight. I'm very happy with my weight. I'm at 78 kgs and I just fluctuate more or less. Like Diwali mein bahut mithai kha liya tha. Actually Durga Puja se only I'm eating a lot of sweets which is not good. But I've eaten a lot of sweets in Kolkata and woh band hi nahi hua hai. Diwali mein also I'm now PMSing so I'm eating a lot of sweets. Uski wajah se mera thoda sa gain hua hai like 400-500 grams. But that I think, you know, with the steps I'll take in New York, I will lose. And New York I'm going to eat a lot of burgers and a lot of carbs but I will try to incorporate exercise also in the form of just walking more. Like jab aap travel karo to waise bhi itna chal leta hai na itna cardio ho jata hai. I think balance it out in travels but I'll be conscious with my dessert options for sure in New York. I'll have my carbs but I'll not have sugar a lot so I'll balance it out. My packing is fully done. Main mummy ke ghar pe jaake sare winter wear bhi leke aayi hu. Zyada main winter wear carry nahi kar rahi hu khali main Uniqlo ke andar ke jo thermals since years I'm wearing those. I have that. I'm packing that. I'm packing my stockings, like cute stockings in case I buy any dresses and I want to wear them. वैसे तो I don't have any dresses right now. मैंने jeans भी नहीं लिया, denims भी नहीं लिया. एक realism की जो एक jeans दिखाई बस वही लिया. बाकी ऐसा कुछ भी extra मेरे wardrobe से I have not packed. जो भी I have gotten from brands, I'm gonna style them and use them and then shop some more. Or clothes I don't plan to shop a lot, but I do want to shop like boots and shoes and bags. Like Coach is really cheap in US, so I'm excited to shop for Coach and Michael Kors. Yeah, I want to see the USA pricing, you know, on makeup or Ulta Beauty makeup. Oh my god, like you know a creator like me, मैंने अपना content journey 2017 में शुरू किया था. I've been watching YouTube since 2014 and I grew up watching Kathleen Lights, Laura Lee, Manny MUA and all these people used to shop at Target and Ulta Beauty and Sephora of US. Like I've been to Sephora abroad in Europe but I've never been to Ulta Beauty, Target, TJ Maxx. Like ये सारी चीजें मैं Laura Lee के videos से इतने ज़्यादा देखती हूँ तो मुझे इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि LA तो I already know everything in LA. Now when I go I'll be like अरे ये तो मेरे video में देखा था. अरे I'm gonna have that moment and I'm gonna have so much. You are gonna see a kid in paradise, like a young Sarah's dream come true holiday for real. Like especially LA. Like LA, LA was that country I was supposed to go to study. Imagine. तो अभी मैंने क्या-क्या सपने देखे दिमाग में. मैं YouTube भी शुरू कर दी तो अब मेरी डिग्री के साथ मैं यूट्यूबर भी बन जाऊंगी. फिर मैं अपने मास्टर्स के लिए LA जाऊंगी तो मैं LA वाली क्रिएटर बन जाऊंगी और फिर मैं अपना मास्टर्स भी करूंगी. मैं OT भी करूंगी और मैं यूट्यूबर भी बन जाऊंगी एंड मैं LA में होंगी. So
I had these dreams, which is when I started YouTube. But yeah, I did the YouTuber thing, but I'm not in LA, which is okay. But I fulfilled a part of the dream and not the full dream. But I can fulfill some more parts of it this time. And I'm telling you, this trip is super special, super special. When I go, you'll come to know the things I'm going to tick off my bucket list, inshallah. So like, I've had a hard year and I'm really, really just praying ke ye trip achhe se ho jaye inshallah. And jo bhi matlab saal mein jitna bhi baggage leke main chali hu na, wo sara ye trip ke usse hota jaye. I really need this also. I really need some solo time with myself. There's been so many changes that have happened this year, not even funny. Like, y'all have also seen a lot of it. I have experienced everything. My house, my contractor scam, the amount of money I've spent, the amount of money I've been scammed for. The year started with a big high with the Pakek Sara collab. Then my house, I revealed the house to you all. I had bought it last year only, but I revealed the house. Ghar banane mein aadhe baal jhad gaye the. I started taking care of myself. I revealed my relationship online. With that came a lot of judgment. Then a lot of things have, you know, highs and lows, but really, really big highs, really, really big lows. And just, I've taken and experienced a lot this year, and I think I need this time with myself in my dream country, and it's gonna heal me. And I hope you guys enjoyed this video. If you didn't, a big thumbs up. For this, Sasha Shah goes to Kumkum Deshmukh. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next video, Sasha Shah, you know what to do. Hit the subscribe button, bell icon right next to you, and also comment down below saying hashtag Sara Squad. And join for my next video, Sara Squad. I'll see you guys soon. Andrew, bye guys, love you. Mwah.